वहाँ पे एनबी सर है एकदम उधर साइड में है। आ जाओ भाई। हेलो किचन में पकड़ेंगे आज मुझे खाने के लाके भेजूंगा मैं खाना। अच्छा ठीक है, आज खाना वाना देखते हैं क्या खाने में बन रहा है। पत्ता गोभी आलू की सब्जी जो मम्मी ने बनाई है और बन रही है अभी। मिनी एनबी सर, मिनी एनबी सर, एनबी सर लाइट वर्जन। अब वीडियो बनी रहा है तो बताता हूँ, ये स्टूडियो है मेरा जहाँ से मैं बहुत सारी रिकॉर्डिंग करता हूँ। अरे भाई घर में ये देखो, घर में थिएटर बना रखा है एनबी सर ने, क्या बात है। ये सामने में सीट वगैरह लगे हुए हैं, ओपनिंग वगैरह एकदम सही है। ऐसा लग रहा है कि 5-स्टार होटल है। सर मैं यहीं आ जाऊँ क्या रहने के लिए? यहाँ रह सकते हो और जो बच्चा बढ़िया टॉप रैंक लाएगा उसको यहीं 2 दिन रुकाऊंगा, पूरी सेवा मैं करूँगा। सो हेलो एवरीबॉडी, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम मारेंगे एनबी सर का घर पे रेड, पर एनबी सर को पता भी नहीं है। यहाँ पे मेरा और एनबी सर की जो वाइफ है स्वाति मैम, जिनके साथ लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था, हम दोनों का प्लानिंग है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे घर आया हूँ, सबसे पहले मैम को बुलाते हैं यहाँ पे। बेल यही है ना? हेलो मैम, आ गया। हेलो मैम, हेलो कर दीजिए सबको। हेलो एवरीवन, एवरीबॉडी, हेलो एवरीबॉडी। सर को पता नहीं है ना? सर को बिल्कुल नहीं पता। क्या कर रहे हैं? किचन में। किचन में कहीं बर्तन चला के तो नहीं मारेंगे ना? आपको नहीं पड़ेगा, मुझे पड़ सकता है। चलो आओ, आराम आराम से आओ आप। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं देख सकते हो, और वहाँ पे एनबी सर है एकदम उधर साइड में है। आ जाओ भाई मेरे तरफ। हेलो किचन में पकड़ेंगे। अरे तुम यहाँ पे छोड़ो, क्या कर रहे हो यार? जो बोलना है माइक में बोलिए। क्या ये शूटिंग कर रहा है? हाँ तो यहाँ तो छोड़ दे भाई, घर है ये तो। अबे यार तुम भी क्या इसका साथ देती हो इसमें यार? मुझे सादिक ने बोला रेड करनी है घर पे। एनवी सर घर पे कैसे रहते हैं वो देखना है। नहीं मैं रोज मैं रोज खाना नहीं बनाता हूँ, आज ही बना रहा हूँ, महीने दो महीने बाद। तो चल क्या रहा है वैसे? आप गुस्साओ मत, कोई बात नहीं, कुछ वैसा होगा तो अपन कट कर देंगे। मैं नहीं बता रहा कुछ। यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे मैं आम काट रहा हूँ, मेरी माता जी जो है खीरा काट रही हैं। हम कभी कभी मिलके खाना बनाते हैं, रोज नहीं कभी कभी। आज भी जल्दी आ गया तो कुछ बना नहीं था, तो मैं थोड़ा गुस्सा भी हुआ कि कुछ बनाई नहीं है। तो फिर हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। देखो सैंडविच बनाया है, सैंडविच आप खा सकते हो। आपने बनाया? थोड़ा मैंने बनाया है, सारा मैंने नहीं। मुझे लगा था कि इससे एनबी सर बड़े आदमी है तो मतलब कि बहुत लोग होंगे काम करने वाले, एनबी सर काम नहीं करते होंगे, आराम से आते होंगे सो जाते हैं। घर पे कोई एनबी सर नहीं है, घर पे मम्मी पापा। मम्मी के साथ काम कराना पड़ता है। अच्छा किचन में घर में काम करते हैं कि नहीं आप? करते हैं जी। बचपन में सर कैसे थे, बदमाश थे, शरारती कैसे थे? नहीं शरारती थे, बाकी बचपन में भी काम करते थे सर। अच्छा झाड़ू पोछा भी लगाते थे? हाँ झाड़ू पोछा। पापा घूमने चले जाते थे चाहे, तो बचपन में तो वो तो था ही नहीं, तो है ना मैं और मेरी दीदी में बंटवारा हो जाता था कि कौन झाड़ू लगाएगा कौन पोछा लगाएगा। मम्मी बांट के जाती थी, इधर वो झाड़ू लगा रहा है, इधर को पोछा लगा। कभी कभी मैं बीमार हो जाती तो बर्तन भी साफ करता था। अच्छा बचपन। तो यहाँ पे इनसाइड व्यू मिल रहा है एकदम एनबी सर का, लाइफ में क्या क्या चलता है, बाकी एकेडमिक्स के अलावा चीज़ें और भी। सर अगर आप अलाउ करें तो थोड़ा घर का भी टूर करेंगे अपन। अरे घर है लायक इसके घर तुम्हें? मेरे हिसाब से घर का टूर इसे पता होगा तो इसे साफ सफाई रख रखी होगी। आज कैमरे में जितना साफ दिखा, क्योंकि मैडम मेरे हिसाब से तैयार थी, तो घर उतना साफ नहीं रहता है। घर रोज साफ रखते हैं और बहुत अच्छा साफ रखते हैं। आज मुझे खाने के लाके भेजूंगा मैं खाना। अच्छा ठीक है, आज खाना वाना देखते हैं क्या खाने में बन रहा है। पत्ता गोभी आलू की सब्जी जो मम्मी ने बनाई है और बन रही है अभी। एक बनी है सेवैया। सेवई? हाँ सेवई, वो मीठी वाली नहीं, वो नमकीन वाली, आलू प्याज डाल के। और इसमें क्या बन रहा है? दाल बन रही है इसमें, दाल बन रही है, मैंगो जूस बन रहा है। तो आज जो है थोड़ी दावत टाइप खाना बन रहा है। आज दावत में, आज सही टाइम पे सही दिन आया हूँ मैं, आज दावत करके जाएंगे एनबी सर के यहाँ से, क्या बात है। और यहाँ पे हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? अगम। आपका? पाखी। ये बताओ कि बदमाशी करते हो कि नहीं घर में? करता हूँ। पिटाई कौन लगाता है?
कोई नहीं। आप? मैं थोड़ी करती हूँ। पिटाई? कोई नहीं लगाना। और यहाँ पे एनवी सर के पापा हैं हमारे साथ। नमस्ते अंकल। एक बात आपसे पूछना था। एक वीडियो बहुत वायरल गया था एनवी सर का, जिसमें एनवी सर ने बोला है कि मेरे पिताजी ने ब्याज पे पैसे लिया था मुझे पढ़ाने के लिए। इस बात में कितना सच्चाई है? सच्चाई है वास्तव में। इसमें ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि क्या ना, जब पढ़ाना था तो उस समय एकदम से जो है खर्चा कुछ ज़्यादा हो गया था। पहले मकान वकान बनाया जिसमें हो गया था, तो ब्याज पे उठाना पड़ा पैसा। सर आप लोगों को टाइम देते हैं कि नहीं घर पे? मैं तो फुल टाइम यहीं रहता हूँ। अच्छा, दादू के साथ मतलब ही समझ नहीं आ रहा उसको। क्वेश्चन का मतलब ही समझ नहीं आ रहा उसको। अच्छा मुन्नी, आप बताओ सर टाइम देते हैं कि नहीं घर में आप लोग? सर बहुत टाइम देते हैं। ये देखो फ्लोर पे बैठ के इस तरीके से खेलते हैं। हमें ऐसा लगता है ऐसे कि एनवी सर मतलब कि आराम से बड़ा लग्जरी लाइफ जीते होंगे, लेकिन यहाँ पे बच्चों के साथ ऐसे ही डाउन टू द अर्थ बने हुए रहते हैं एनवी सर, है ना। हम घर पे रोज कम से कम आधा एक घंटा छः बैठते हैं, और मतलब सच्चाई है, ऐसा नहीं वीडियो वीडियो कह रहा हूँ, ज़्यादा भी बैठते हैं बच्चे। पर हम एक घंटा मतलब एक डेढ़ घंटा दो घंटे हम लोग एवरेज रोज सब साथ बैठते हैं। कोचिंग से रिलेटेड कोई भी डिसीजन से रिलेटेड हम चारों की जब तक सहमति नहीं होती कोई भी डिसीजन नहीं। ये सच्चाई है और ये अच्छा पार्ट है मेरे हिसाब से। मतलब मैं कोई भी डिसीजन हो चाहे वो कैसा भी हो, या कोई भी पापा मम्मी ये मतलब हमारे घर पे अगर वॉश बेसिन भी आना होगा ना तो सबकी इच्छा से ही आएगा। ऐसा है, ये सच्चाई है। क्या बात है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं घर का टूर विथ एनवी सर। एनवी सर का घर पे रेड पड़ा हुआ है और फाइनली परमिशन मिल गया है, और परमिशन लेने के बाद अब होने वाला है घर का टूर। सर एक बार थोड़ा हाइट नापने दीजिए आपसे मेरा, मेरे को लगता था कि मैं ही लंबा हूँ। मेरे से बहुत छोटा। नहीं मतलब कि बहुत लोग मेरे को बोलते हैं यार तू तो लंबा है, लेकिन जब आपके सामने जाता हूँ तो ऐसे होना पड़ता है मेरे को। बहुत लंबे हैं एनवी सर, पता है ऐसे लगता नहीं होगा लेकिन वैसे पता है बच्चे जो वीडियो देख के आते हैं ना और फिर क्लास में देखते हैं मेरे को तो कहते हैं कि सर आप वीडियो में तो छोटे लगते हो, वैसे तो बहुत लंबे हो। और वीडियो में थोड़ा मोटा दिखता हूँ पर जो लाइव क्लास में थोड़ा पतला हूँ। अच्छा। मिनी एनवी सर, मिनी एनवी सर, एनवी सर लाइट वर्जन। अंदर लेके आ जाओ। आ जाएंगे पंजाब? आ जाओ। मैं ना आज आप लोगों को स्टूडियो दिखाता हूँ कि मैं कैसे रिकॉर्डिंग करता हूँ। बहुत मेहनत होती है वहाँ पे। स्टूडियो दिखाते हैं घर वाले, घर पे भी मैंने एक स्टूडियो बना रखा है जहाँ पे रात में भी काम कर लेते हैं, सुबह भी कर लेते हैं अर्ली मॉर्निंग। ऑफिस भी बना रखा है वहाँ से बहुत काम आया है वो। ये अब वीडियो बनी रहा है तो बताता हूँ, ये स्टूडियो है मेरा जहाँ से मैं बहुत सारी रिकॉर्डिंग करता हूँ, बहुत सारे काम करता हूँ, और बहुत अच्छे से वीडियो यहाँ से बने भी हैं जिनके बहुत अच्छे व्यूज़ भी आए हैं, बच्चों को बहुत फ़ायदा भी हुआ है। बहुत सारे स्ट्रेटेजिक वीडियोज़ आप देखते होंगे मेरे मोशन वाले चैनल पे भी, वो मैक्सिमम यहीं पे बने होते हैं। तो अभी ऑफिस दिखाऊंगा, वहाँ पे ऑफिस में सोचता हूँ कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, या उसके लिए एक दो घंटे लगते हैं पहले ही जो अपना अनुभव है उसको कैसे करा जाए। अच्छा सर एक बात पूछना था, आप अपने लिए ये जो मतलब कि मॉडिफाई करवाए हो क्या सब गेट को, कि मैं सर गेटों सारे सर ना लड़ जाए? सारे गेटों की कंडीशन थी 7.5 फीट से नीचे कोई नहीं होगा। मेरे यहाँ पे ना जितने भी बेड हैं वो भी सब 6.5-6.5 फीट के हैं। अच्छा। तो मेरे को 6 फीट नहीं, नहीं तो नॉर्मल जो बेड बनते हैं सब 6 फीट के बनते हैं। अच्छा नहीं, कभी अगर ट्रेन में जाते हो तो ट्रेन में दिक्कत हो जाता है? बहुत दिक्कत होती है, सारे पाँव बाहर निकलते हैं। लंबे लोगों को बहुत तकलीफ है, और लंबे लोगों को हालांकि मैं क्लास में बोलता हूँ फिर भी बोल रहा हूँ लंबे लोगों की बहुत तकलीफ है। सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि स्कूल में सबसे लंबे लड़के सबसे पीछे खड़ा करते हैं, है ना, तो वहाँ तो बिल्कुल सबसे पीछे नंबर आया करता था। और दुख की बात ये कि वहाँ तक लड़कियों की लाइन ही नहीं आती थी छोटी। अब यहाँ पे टेरेस है, टेरेस पे पहुँच चुके हैं हम लोग। ये वो ऑफिस है जिसमें मेरे हिसाब से कोरोना के 1.5-2 साल रोज 12-14 घंटे यहाँ निकलते थे। अच्छा। हाँ, जब कोरोना का बिल्कुल फर्स्ट पीक आया था ना तो पूरा चिंतन बहुत टेंशन का समय था, तो पूरा टाइम यहीं निकलता था। बहुत अच्छे डिसीजन यहाँ से हुए। यहाँ पे जो अगर आप देखोगे तो बहुत पहला वीडियो बना था जिसको हमने किताबों के ऊपर मोबाइल रख के वीडियो बनाया था कोरोना में जब रिकॉर्डिंग चालू हुई थी, वो सब यहीं से स्टार्ट कर रहा था, फिर सब जगह गए। तो यहाँ पे बुक्स और ये सब मतलब आई लव रीडिंग, तो बुक्स हैं थोड़ी, बुक्स जो भी हैं, फिजिक्स किताबें वगैरह बहुत सारे यहाँ पे रखी हुई हैं मेनली कुछ। ये सर कौन सा है यहाँ पे? जिम बेसिकली, अपने लिविंग रूम टाइप ऊपर मतलब जो अपने
जो भी फैमिलीज वगैरह आती है तो गेट टुगेदर होता है वैसे। हमारी फैमिली बहुत बड़ी है। एक्सरसाइज करते हो कि नहीं आप? लगता नहीं आप करते हो? नहीं करता हूँ मैं, अभी पिछले 1.5-2 महीने से बैडमिंटन खेल रहा हूँ रोज क्योंकि मेरे डॉक्टर बहुत सारे पैरामीटर्स ऊपर नीचे आए थे। अच्छा। तो पहले मैं डॉक्टर ने बोला कि आपने बहुत साल सिर्फ अपने काम को प्रायोरिटी दी है, उन्होंने मैं 1 घंटे काउंसलिंग करी कि आपका प्रेम बच्चों के, मतलब उन्होंने जो बोला एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि आपका बच्चों के प्रति प्रेम अच्छी बात है पर आप वो उनके लिए उतना काम कर ही नहीं पाओगे अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। मतलब 2001 से मैंने प्रिपरेशन चालू करी थी, मुझे तब से याद नहीं है कि मेरा एवरेज काम करने का समय 14 घंटे से कम नहीं हो, 13 से 14 घंटे। और काम ऐसा नहीं कि मतलब उसमें एंजॉय भी होता है ना, आप जैसे घर पे बैठ के बात हो रही है, स्टूडियो में काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, क्योंकि आप उसको एंजॉय कर रहे हो। क्लास लेना मेरे लिए कोई बोझ नहीं है, भले से अभी तो क्या बहुत सारा स्टाफ का काम होता है तो मेरे को बच्चों को मैं यही वादा करता हूँ कि सारी क्लासेस तो मैं नहीं ले पाऊंगा पर तुम्हें बेस्ट टीचर्स दूंगा, तो मुझे बहुत सारा टाइम उधर भी देना पड़ता है। सारे बैचेस में सारे कोर्सेज आप नहीं पढ़ा सकते, कुछ पढ़ाता हूँ हालांकि ये फिक्स्ड है कि हर बैच 12 और 13 में तो मैं पढ़ाता हूँ, बट फिर भी तो मतलब वो उस तरीके का पार्ट है जो अपने को करना पड़ता है। ठीक है, एनीवेज तो जो भी लोग हैं, मैं अपने आप को लकी से मानता हूँ कि मैं शायद उन 1% लोगों में से हूँ जिनको वो काम करने को मिला है शिक्षा जो मैं करना चाहता था। या तो मैं शिक्षक बनने की मेरी इच्छा थी या मेरी एस्ट्रोनॉट बनने की इच्छा थी, पर एस्ट्रोनॉट क्योंकि उस समय उस वहाँ जाने के लिए बहुत पैसा और स्कॉलरशिप चाहिए होती थी तो मेरे को लगा वो शायद अपन नहीं कर पाएंगे। सर अगर एस्ट्रोनॉट बनते ना तो सबसे बड़ा सूट भी इनका सिलता इसीलिए मैंने किया क्योंकि बहुत महंगा बनता हाँ, फिर अलग से मॉडिफाई करना पड़ता है क्योंकि बहुत महंगा शूट आता है तो वो मैं सडन वीडियो बनाया मेरे पसीने आ गए मैं सोच रहा हूं क्या अब देखो सर अभी भी मतलब मोशन के यूनिफॉर्म में जब से आए हुए, और इनफैक्ट टाइम कितना हो रहा है मैम? 9 बज गए, 9 बज चुके हैं, सुबह सर घर से निकले हुए हैं, अभी 9 बजे हैं, अभी भी मोशन के यूनिफॉर्म में है, मतलब कि अभी यूनिफॉर्म में ही सोता हूँ। अच्छा, और सुबह फिर उठ के फ्रेश होके चल गए? मतलब नहीं, फिर नहा के जाता हूँ, फिर वापस नहीं जाता हूँ, पर सो जाता हूँ, मतलब कोई चैलेंज नहीं। अरे भाई घर में, ये देखो घर में थिएटर बना रखा है एनवी सर ने, क्या बात है क्या बात है। यहीं पे बच्चों को बुला लेते हैं सर यहीं पे मूवी वूवी दिखाने के लिए। ये देखिए ये रहा थिएटर, यहाँ पे आ जाइए अंदर, यहाँ पे ये सामने में सीट वगैरह लगे हुए हैं और सीट भी मतलब कि एकदम एडवांस लेवल के सीट लगा हुआ है, कुशनिंग वगैरह एकदम सही है। और यहाँ पे स्क्रीन है आप देख सकते हैं, यह रहा स्क्रीन, और यहाँ पे साउंड सिस्टम वगैरह लगा हुआ है और ये स्क्रीन वगैरह है, क्या बात है सर। आप तो एकदम एक छोटा सा यूनिवर्स बना लिए अपने घर पे एकदम से। इसका सबसे ज़्यादा फायदा उठा हुआ जब अभी कोरोना हुआ तो हमारे मम्मी पापा ने पूरी रामायण, पूरी महाभारत, पूरा कौन सा कृष्ण वाला कौन सा देखते हो तुम लोग? राधा कृष्ण वाला, उसके 500-500 एपिसोड सबने, इन सबने बच्चों ने, मम्मी पापा ने, और हमने भी कुछ देखे हैं। हमने बहुत सारी मूवीज देख ली बहुत सारी मूवीज। कौन कौन सी मूवीज, एक नाम बताओ मूवी का। एंग्री बर्ड्स देख ली हमने, मेडागास्कर देख ली हमने, हर सीरीज देख ली हमने। क्या दिन भर की? हाँ बताओ बताओ, आप बताओ। फिर मैंने एक बार वो देखी थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा इतनी। हाँ, द स्वीट लाइफ ऑफ जैक एंड कोडी। क्या बात है, सही है, आज के बच्चे एकदम एडवांस हो गए हैं इन सारी चीज़ों में। थिएटर के बगल में है यहाँ पे गेस्ट रूम, ये रहा गेस्ट रूम, कोई गेस्ट वगैरह आए तो रुकने के लिए, ऐसा लग रहा है कि 5-स्टार होटल है। सर मैं यहीं आ जाऊँ क्या रहने के लिए? यहाँ रह सकते हो, और जो बच्चा बढ़िया टॉप रैंक लाएगा उसको यहीं 2 दिन रुकाऊंगा, पूरी सेवा मैं करूँगा। क्या बात है, 2 दिन तक चाय पानी लेके आऊँगा, टेंशन मतलब। क्या बात है, बड़ा दिल है सर। बालकनी एरिया वगैरह है यहाँ पे सर, बैठते हैं सर। कभी ऐसा कभी हुआ है क्या कि बच्चे अचानक घर पहुँच गए, आसपास से कभी पहुँच के हाय हेलो कर आ जाते हैं? बहुत सारे बात, बर्थडे पे आए थे बहुत सारे बच्चे की क्विक लेके। अच्छा, क्या बात है, ये है प्यार एनवी सर के लिए। अच्छा, बच्चों का। अच्छा। तो आज हमारा सौभाग्य है कि एनवी सर के साथ हमें खाने का मौका मिल रहा है। इतना अच्छे अच्छे खाना यहाँ पे है। सर आप बताएं क्या क्या है, जैसे कि ये दाल सब्जी, ये क्या है? अमरस। अच्छा आमरस, ये एक गुलाब जामुन, रोटी, और ये सेवई जो अपन दिखाएं, ये चीज़ें हैं। और ये कोई बच्चा सैंडविच है, और ये कोई बच्चा लेके आया था मुंबई से, क्या बोलते हैं इसको, वो नाम भूल गया मैं, कुछ स्पेशल बच्चे ही लेके आए थे। ये वाली मिठाई और ये वाली मिठाई, ये बच्चे ही लेके आए। सही है। अब खाने पे तो आधा वजन तो बच्चों के वैसे ही बढ़ रहा है, कोई पेरेंट आते हैं तो लेके आते हैं, तो फिर मुझे खाना पड़ता है। क्या बात है,
तो आप बस खाने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इसके बाद मिलते हैं आपसे। यहाँ पे हम लोग सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं और एनबी सर के मम्मी पापा खेल रहे हैं यहाँ पे बैठ के। यार हमने इसका नाम है।